पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही महिलाओं को सुरक्षित करने के लाख दावे करती हो, लेकिन मुरादाबाद में हुई घटना को देखकर साफ हो जाता है कि मुरादाबाद में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। मुरादाबाद में दबंगों के द्वारा राह चलती युवती के साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट कर उठा ले जाने तक का प्रयास किया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो गए। पीड़िता ने तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। मामला जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र का है। थाना मझोला के काशीराम कॉलोनी में काम से लौट रही युवती के साथ दबंगों द्वारा छेड़छाड़ की गई और जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। युवती ने इसका विरोध किया तो शोर मचाया, आसपास और परिवार के लोग भी आ गए, लेकिन इतने में दबंग भाग खड़े हो गए। किसी ने सूचना पुलिस को दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। पीड़िता थाने पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। वजह ये थी, मतलब मैं आ रही थी रास्ते, मतलब वो छेड़खानी करने लगे, बदतमीजी करने लगे, मारने तोड़ना करने लगे, कि हाथ हाथ पकड़ने लगे। बदतमीज़ थी, मतलब गलत निगाह से कर रहे थे वो, जो कुछ कर रहे थे। फिर मैं घर गई, बुला के लेके आई तो वहीं खड़ा था। उसमें से एक लड़का कहने लगा कि रेपता मार दे, फिर हम तेरा गोली मार देंगे छुट्टी। मतलब बदतमीज़ है, शराब वराब के नशे में थे काफ़ी सारे। वहाँ सर्कस लग रहा था तो उन्होंने सब हटवा दिया। जब उन्होंने सुना कि पुलिस की गाड़ी आ गई, तब उन्होंने मामला मतलब वहाँ से शांत करके सब गायब हो गए, सारे लड़के जितने भी थे वो। मतलब जब मैंने हाथ छोड़ने को हुई तो उसके साथ के लड़के और हाँ भी होने लगा, मारने लगे मुझे। तो ये मेरे भाई बीच में आ गए, उन्होंने मतलब कहा कि इसके हाथ मत छोड़ना, जो भी बात करनी है हमसे करो। मम्मी की मतलब मेरी तबीयत खराब है, चक्कर हमने ज़्यादा फैलावर करना सही नहीं समझा। हमने सोचा पुलिस को बुला के जब भी हो जाएगी बात। पुलिस मौके पर पहुंची जी।